अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ ने कहा है कि अदालती फैसले के बाद मुल्क किसी हुकूमत के बगैर चल रहा है। पाकिस्तान को 6 करोड़ डॉलर की भेंट चढ़ा दिया गया। लॉन्ग मार्च समेत तमाम ऑप्शन खुले हैं। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने कहा है कि नवाज शरीफ अना परस्त हैं, हटाने की ख्वाहिशमंदों में हिम्मत है तो तहरीके अदम एतमाद ले आए। लियारी में कशीदगी कम ना हुई, फायरिंग से 5 अफराद जान बहक। नबील गबोल की गाड़ी पर दस्ती बम से हमला। मुल्तान में बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम। इस्लामाबाद की नेशनल पुलिस एकेडमी में एएसपीज की पासिंग आउट परेड की तकरीब, 3 खवातीन अफसर भी शामिल। लंदन के इलाके टुटेनहम में ड्राइविंग स्कूल की इमारत में 4 अफराद को यरगमाल बनाने वाला मुसल्ला शख्स गिरफ्तार। जमीन अलॉट होने पर तनकीद, भारतीय सदर पर तीबा पाटिल ने हुकूमत की तरफ से दिया गया प्लॉट वापस कर दिया। और मंटो पार्क लाहौर में अच्छू मुल्तानी पहलवान और शाहिद खोएवाला का दंगल मुतनाज़े हो गया। कुश्ती के दौरान हंगामा आ रहा है।